दुल्ला क्षेत्र के गौतम नगर गुफा के पास कुआ वाली गली में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में महिला के परिजनों ने पहले उसे जमकर पीटा, उसके बाद सर पर चौराहा बनाकर गंजा करके गलियों में घुमाया व वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। आरोपी युवक के परिजनों ने खुद पुलिस को बुलाकर गिरफ्तार करवाया। मामला थाना एतमादुल्ला क्षेत्र के गौतम नगर कुआ वाली गली का है, जहां बिट्टू पुत्र प्रेमचंद की पत्नी सुबह शौच के लिए गई, तभी पड़ोस के रहने वाले युवक प्रमोद पुत्र दामोदर, जो नशे का आदि है, वह महिला के पीछे पीछे गया व दूर से खड़े होकर 500 का नोट दिखाकर अश्लील हरकत करने लगा। जब महिला उसके नजदीक आई तो उसने गाली गलौज कर दी और प्रमोद को चाटा मार दिया। इस बात से गुस्सा होकर युवक प्रमोद ने भी महिला को वहीं पीट दिया। महिला दौड़ी हुई घर लौटी व सारी घटना से अवगत कराया। बात सुन महिला का पति व अन्य परिजन उसके घर पहुंचे व उसे पीटने लगे व घर से बाहर खींच ले गए व नाई लाल को बुला उसके सर पर चौराहा बना गलियों में घुमाया। तभी आरोपी प्रमोद के पिता ने खुद पुलिस को सूचना दी व पुलिस से पकड़वा दिया। उधर आसपास के लोगों का कहना है कि प्रमोद नशे का आदी है, वह हर वक्त नशे में रहता है। वहीं इस मामले में आगरा एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे का कहना है कि आरोपी युवक के साथ मारपीट करने वाले 5 युवकों को जेल भेजा गया है और मामले की जांच की जा रही है। आगरा से ब्रजकिशोर शर्मा की रिपोर्ट। एक युवक को देखिए, कोई छेड़छाड़ से संबंधित एक मामला आया था जिसमें युवक की भी मोहल्ले वालों ने पिटाई की थी, उसी नकल संबंध में उनकी तरफ से भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उसके इलाज हेतु भी कल अस्पताल भेजा गया था।